सो गाइस अभी आप देख रहे हैं हीरो की जो लेटेस्ट लॉन्च बाइक है एक्सपल्स 200, जो वाइट वाला है वो FI वेरिएंट है, तो ये जो रेड कलर है वो कार्बोरेटर वेरिएंट है। दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, लुक के मामले में तो डिफरेंस नहीं है, बट जो एसेसरीज है, जो कंपनी फिटेड एसेसरीज है, उसके मामले में तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा रहेगा। ये देखो ये FI, ये कार्बोरेटर वेरिएंट है और ये FI वेरिएंट है। जो FI वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पे नकल गार्ड कंपनी फिटेड है, और कार्बोरेटर वेरिएंट में आपको नकल गार्ड एसेसरीज में मिल जाएंगे, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये देखो ये कार्बोरेटर वेरिएंट है, और हाँ गाइस ये जो गार्ड देख रहे हैं ये गार्ड भी एसेसरीज में अलग से आता है, जो कंपनी फिटेड गार्ड है वो अलग है। तो मैं आपको कंपनी फिटेड गार्ड भी बता देता हूँ, एक बार आप ये कार्बोरेटर वेरिएंट है उसका लुक देख लीजिए, और सेम है यहाँ पे FI वेरिएंट। तो FI वेरिएंट का जो स्विच है वो ऑन है, अगर एक बार ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख जो वाइट कलर है फ्यूल इंजेक्शन वेरिएंट में, ये देखिए जो नकल गार्ड की मैं बात कर रहा था इसमें स्टैंडर्ड आते हैं फ्यूल इंजेक्शन वेरिएंट में। यहाँ पे इसका जो पेट्रोल डिक्स है, जो कार्बोरेटर वेरिएंट है उसमें जो राउंड डिक्स है, जैसे स्टैंडर्ड ABS आपको इसमें दोनों में भी मिल जाता है, जो कि सिंगल चैनल ABS है। देखो जो गार्ड की बात कर रहा था मैं आपको, लेग गार्ड है वो, ये लेग गार्ड है जो कंपनी में स्टैंडर्ड फिटिंग में आपको मिल जाता है गाड़ी के साथ। बाकी ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस है नहीं। ये देखिए वाइट कलर, एक बार इसका हेडलाइट ऑन करते, हेडलाइट ऑन करते ही आपको यहाँ पे इसका DRL ऑन हो जाएगा, और कार वेरिएंट में हेडलाइट ऑन करते इसका जो अपर डिपर लाइट है अपर वाला वो ऑन हो जाता है, फिर FI में खाली इसका DRL ऑन हो जाएगा। ये देखिए, और एक मेजर चेंज है यहाँ पे, ये जो बैच प्लेट है इसका, इंजन गार्ड भी बोल सकते हो, ये फाइबर का है जो कि कार्बोरेटर वेरिएंट है, FI वेरिएंट में ये आपको मेटल का गार्ड दिया है। सो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हो तो FI में आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि बाकी टायर तो दोनों में सेम है। ये सस्पेंशन क्योंकि 10 स्टेप एडजस्टेबल है, सब ऑफ रोडिंग के टाइम भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाले है नहीं। बात करते इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये जो एक्सपल्स 200T है उसमें भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, प्लस हीरो एक्सट्रीम 200 जो लेटेस्ट लॉन्च है, हीरो एक्सट्रीम 200 है उसमें भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये देखिए इसमें आपको जो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिए, गियर इंडिकेटर, 2 ट्रिप मीटर है, एक बार आपको दिखा रहे थे, 1.2 ब्लूटूथ पेयरिंग मोड, इको मोड, ये RPM मीटर है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया, जो ABS इंडिकेटर, ये माल फंक्शन का जो आपका इंडिकेटर है, अगर आपके FI में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आपको इंडिकेट करेगा। सो गाइज मैंने इसका पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये जो है दिखा दिया है, प्लस एक बाइक में आपको यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर भी दिया गया है जो कि अंडर सीट है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसका लॉक है सीट का, ये देखिए ये सीट ओपन हो गया, यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग का यूनिट दिया है, देख सकते हो मोबाइल चार्जिंग का यूनिट है, तो यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो। और ये पैकिंग जो है आपको मोबाइल को एक अच्छी खासी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे पैकिंग भी दिया है। सो
सो ये एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि ये बाइक के साथ आपको भी ये भी मिल रहा है मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट। सो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल भी करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये देखिए, एक बार मैं आपको ये जो दोनों बाइक है उसका एक बार साउंड सुना देता हूँ कैसा है। तो पहले तो हम लोग FI वेरिएंट को ऑन करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक इसका ये बेनिफिट है कि FI वेरिएंट है, अगर आपका बाइक गियर में है प्लस अपनी बाइक जो है वो स्टैंड पे लगा रखा है तो ये गाड़ी ऑन नहीं होने वाला। अभी ये न्यूट्रल में है, एक बार इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, इसका साउंड सुन लीजिए। तो ये होगा FI वेरिएंट का साउंड। अभी आपको एक कार्बोरेटर वेरिएंट का साउंड सुनना देता तो आप कुछ समझ जाएंगे कि दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है। तो भाई दोनों के साउंड में अच्छा खासा डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के साउंड में। दोनों बाइक एक बार अच्छे से देख लीजिए सामने से। ये देखो इसका ये स्प्लिट हेडलैम्प है, और पासिंग स्विच भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका जो FI वेरिएंट है उसका पासिंग स्विच है, पास लाइट अगर आप ऑन करते हो। कार्बोरेटर वेरिएंट का देखिए पास स्विच, दोनों में आपको ये डिफरेंस है। सर दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, दोनों बाइक लुक वाइज सेम है, खाली फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर ये दोनों डिफरेंस ये बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बाकी अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते तो 30 लीटर का फ्यूल टैंक आता है जो कि दोनों में सेम है। एज इट इज़ आपको एक्सपल्स 200T में भी वही फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा जो 13 लीटर का है। सो आपको अच्छी खासी जो रेंज है ड्राइविंग रेंज वो अच्छी खासी मिल जाएगी आपको। एक लीजिए इसके अगर सामने से देखते हैं, यहाँ पे जो विंडशील्ड दिया है उसके वजह से इसको बहुत अच्छा लुक आ रहा है। विंडशील्ड जैसे यहाँ पे जो नकल गार्ड है गाड़ी को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और जो इसका जो फ्रंट का जो मडगार्ड है, ऑफ रोडिंग बाइक है इसके बारे से हीरो ने एक ऐसा मडगार्ड दिया। तो इसमें दो मडगार्ड आते हैं, एक इसको टायर अगर भी बोल सकते हैं आप, जो कि एक पूरा ऐसे टायर से चिपक के मडगार्ड नीचे, और एक ऊपर ऑफ रोडिंग के लिए मडगार्ड है। बाकी जो कार्बोरेटर वेरिएंट है उसमें रेड कलर है, यहाँ पे जो FI वेरिएंट है उसमें सिर्फ वाइट कलर ही आया अभी तक। और हीरो एक्सपल्स 200 ये दोनों गाड़ी में सेम इंजन है जो कि जनरेट करता है 18.4 PS की पावर 8000 RPM पे, और 17.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा आपको 6500 RPM पे। तो आपको ऑफ रोडिंग के टाइम अच्छी खासी पावर तो मिल जाएगी, लेकिन एज वेल एज आपको टॉर्क भी मिल रहा है। तो कुछ ऑफ रोडिंग करते हुए भी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ये बाइक में। और जो फ्रंट सस्पेंशन देखते हो बहुत लॉन्ग सस्पेंशन दिए गए, तो ऑफ रोडिंग करते टाइम कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। सो ये दोनों बाइक इसके लिए मैंने बाजू बाजू में लगवाई है, आपको जो डिफरेंस है इजीली आप नोटिस कर सके। सो गाइस आई होप कि मैंने सारे पार्ट कवर कर लिए। सो अगर कुछ भी क्वेरी है दोनों बाइक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे DM कर देना मैसेज, तो मैं आपका अगर क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। तो ये दोनों देख लीजिए एक बार, ये दोनों बाइक है हीरो एक्सपल्स 200 जो रेड कलर है वो कार्बोरेटर वेरिएंट है, जो वाइट कलर है वो FI वेरिएंट है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।